और डिब्रूगढ़ तक जाने में प्रॉब्लम नहीं होगा? आराम से ना, लद्दाख जाएगा बोला, लद्दाख लद्दाख जाएगा। तो गाइस, जिप्सी रजिस्ट्रेशन का वीडियो में आज और एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये एपिसोड नंबर 8 होगा, आप लोगों को याद होगा ये बॉडी पूरा उठ गया अभी। तो फिलहाल हम लोग का जो फ्रंट साइड का काम अभी शुरू हो जाएगा, तो फ्रंट साइड का बॉडी हम लोग यहाँ में लेके आए। तो इसका भी कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, इस साइड ठीक है, खास करके जो जगह में बैटरी बैठते वो जगह पर्सन जो काफ़ी शायद बैटरी से ख़राब हो गया, तो इसको हम लोग अभी बनाने का शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ है, तो ये सबको तो ये सब नया चेंज हो जाएगा, तो कुछ कुछ जगह खराब है, तो अभी शुक्र शुरू हो गया काम करने में। तो इसको हम लोग पलटी करके काम पहले शुरू कर रहे हैं, तो जितना भी साइड का जो एसेसरीज है इसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम लोग नया से फिटिंग करेंगे, जो कि बहुत पहले एक बार वीडियो में हम डाला था, ये सब चीज़ हम नया लेके आया था, उसको नया से हम लोग फिटिंग करेंगे। तो आप लोगों को फिर बता दो, ये हेडलाइट वाला जगह है और ये जो मटका वो आगे फिटिंग हो जाएगा बनके। तो अब ये पार्ट्स को निकाल दिया हम लोग, तो ये वाला हम लोग नया लेके आया था, उसको तो हम लोग नया से चेंज करेगा, और बाद बाकी जितना भी यहाँ पे खराब है उसको हम लोग नया से फिर होल्डिंग करके काम करेगा। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है फ्रंट साइड का पार्ट्स। तो सीधा साइड से फ्रंट साइड से ऐसा व्यूज आ रहा है। तो फिर बता दो, ये बैटरी वाला जगह है जहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा सड़ गया, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे। और ये अपोजिट साइड है बैटरी का, ये साइड जो थोड़ा फ्रेश है ख़राब नहीं हुआ है, और ये जहाँ पे जैक लगा जाता है वो जगह है। तो अभी हम लोग का प्लेन सीट ख़त्म हो गया, तो शुक्र भाई और हम दोनों जुगाड़ करने जा रहा है प्लेन सीट। प्लेन सीट का एक दुकान है यहाँ में जहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है, तो हमें शुक्र भाई हमको ले जा रहा है, पक्का मिलेगा ना? मिलेगा। तो हम लोग अभी क्या करेगा उससे, प्लेन सीट से प्लेन सीट लाएगा, काटेगा वाला, और फिर फ्रंट साइड का जितना भी बम्पर का काम है वो हम लोग आज से शुरू हो गया, तो उसको हम लोग बनाने के लिए प्लेन सीट लेने जा रहे हैं ना। तो यहाँ में एक स्टील ब्रिज नज़र आएगा, बहुत पहले यहाँ में एक वीडियो बनाया था आप लोगों को याद होगा, अगर जो नहीं देखा है वो चेकआउट कर सकते हैं, मेरा लास्ट बहुत पुराना वीडियो था, वो ब्रिज है। तो वो ब्रिज के आसपास में है बोला है वो वेल्डिंग का दुकान, तो वहाँ से हम लोग प्लेन सीट लेके आएगा। तो ये हम लोग का खोंसा का पॉपुलर स्टील ब्रिज। तो अभी हम लोग वापस आ गया, फाइनली वो जो साइज़ चाहिए था हम लोग को वही प्लेन सीट का साइज़ मिल गया। तो गाइस, अभी हम लोग का जिप्सी का जो आगे का पर्सन था वो ऊपर लगा दिया हम लोग। हम लोग सोचा था कि पहले नीचे रख के हम लोग इसको बनाएगा, लेकिन वो शुक्र भाई बोल रहा है कि इसको पहले ऊपर रख के ही मेज़रमेंट मिलने के लिए उसके बाद ये सब बनाएगा ओके। तो एक साइड का हम लोग अभी बना लिया, आप लोगों को अभी दिखाएगा। तो एक साइड का पूरा ये रेडी हो गया है हमें, इसका लाइनिंग वर्क जो है सब कुछ कम्प्लीट हो गया, अभी जाके सिर्फ हम लोग को इसको फिट करना है, मतलब ये इसको यहाँ पे वेल्डिंग करके जोड़ना है अभी हम लोग को। तो सेम उस साइड का भी बन रहा है अभी, हम जो बोला था अभी, तो ये पर्सन जहाँ पे बैटरी रखता है तो वो पर्सन ख़राब है थोड़ा बहुत, क्योंकि बैटरी का पानी से ये ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम है, और इस साइड का तो फ्रेश है पूरा, इस साइड का काम करने का इतना ज़रा ज़रूरत नहीं होगा। तो फ्रंट साइड का भी कुछ कुछ काम है ये लोग का, ये सब का भी काम करेगा। तो ऐसा है हम लोग अभी फिलहाल जिप्सी का व्यूज, तो पूरा फुल व्यू हम आप एक बार दिखा देगा कहाँ कहाँ ख़राब है, तो ये सब तो बन जाएगा। अभी इसका काम बाकी है, और इधर का बैटरी का जगह का काम बाकी है, और बैटरी का कैरियर भी हम लोग को बनाना पड़ेगा हमें। तो इंजन तो ऐसा कुछ है, और इस साइड का पूरा फ्रेश है। तो इतना ही कुछ है अभी जिप्सी का व्यूज, तो अभी ज़्यादा काम नहीं बचा हम लोग का, 90% काम हो चुका है। तो अभी जिप्सी देखने में कैसा लग रहा है आप लोग देखिए, अभी पूरा गाड़ी पूरा स्टैंड में है अभी, जैसा कि लग रहा है अभी पूरा गाड़ी चलने लायक हो गया जैसा, और गाड़ी पूरा ओके है अभी तक, अभी पूरा
पीछे पर्सन का तो कंप्लीट आप लोगों को पता ही होगा, पीछे का काम पूरा हो गया, तो फ्रंट साइड का थोड़ा बहुत बाकी है, उसको करके हम आप लोगों को फिर दिखाएंगे। अभी भाई रेडी हो गया बनाने के लिए, अभी आप लोगों को एक बार दिखा दो हमें, तो इस साइड में इस साइड के लिए बना रहा है अभी जो दिखा रहा था हम, तो इसका ऊपर लगेगा, इसका ऊपर फिर ये बनने के बाद इसका ऊपर फिर से रनिंग बोर्ड लगेगा जो कि रेडीमेड हम लोग लेके आए हैं वो तो मार्केट से, तो अभी फिलहाल इसके इसमें ज्वाइन आएगा, इसका ज्वाइन के लिए बना रहे। तो गाइस जिप्सी का जो अभी फ्रंट मोड गार्ड बना रहा था हम लोग, अभी देख सकते हैं आप लोग अभी पूरा जो कंप्लीट जो बनना था वो अभी हो गया राइट साइड का, तो एक बार आप लोग को ओवरव्यू दे देगा। और साइड का जो बिट हम लोग पहले बात किया था वो भी लगा दिया, लेकिन हम लोग अभी इसको ऐसे लगा के देख रहे हैं, बाद में फिर उसको निकाल के पेंटिंग करके फिर से लगाएगा, तो अभी से हम लोग सेटिंग कर रहे हैं। तो ये वो मोड गार्ड, लेकिन ये मोड गार्ड हम लोग बनाया नहीं है, ये बाहर से डायरेक्ट खरीदा था हम लोग ये पार्ट्स को, और ये जो रनिंग बोर्ड है उसके ऊपर जो लगाया रबर, ये भी हम लोग नया लगाए। तो अभी फुल राइट साइड का पूरा जो कंप्लीट व्यू है इस तरह है, तो वैसे ही सेम लेफ्ट साइड का भी बनेगा। अभी दरवाज़ा भी पूरा हो गया सेटिंग पूरा, इसमें रबर लगाना बाकी है, दरवाज़ा में जो रबर आता है इसमें एक जो रबर आएगा वो, ताकि वो अच्छा से यहाँ में फिटिंग हो जाए। तो राइट साइड का ऑलमोस्ट हो गया, अभी लेफ्ट साइड का सेम वैसे ही बनेगा अभी। और यहाँ में जो हम लोग को दिखाया था ये पर्सन जो बन गया पूरा, और इसके ऊपर बैटरी के लिए अलग से फिर बैटरी का जो बॉक्स है वैसे सेम बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो अभी फिनिशिंग बाकी है सब, ये पूरा कंप्लीट होना बाकी है। तो गाइस जिप्सी रजिस्ट्रेशन का काफ़ी समय हो गया हम वीडियो नहीं रहा था, क्योंकि उसमें भी रीज़न था, अभी हम लोग कौन सा में काफ़ी बारिश दे रहा है, तो उसके कारण गाड़ी का काम काफ़ी रुक गया था, और थोड़ा थोड़ा वीडियो लाते रहना हमको भी अच्छा नहीं लगा। तो फाइनली आज जिप्सी पूरा रेडी हो गया, रेडी मतलब पेंटिंग के लिए जा रहा है अभी, तो उसके लिए हम आज फिर लास्ट वीडियो यही बनाएगा होगा सोच के, क्योंकि डेंटिंग वेंटिंग का बहुत सारा वीडियो हो गया, मैकेनिकल का काम का भी बहुत सारा वीडियो हो गया, तो अभी पेंटिंग के लिए जा रहा है आसाम, तो अभी रात भी हो गई काफ़ी, बहुत दिन भर रुके हम लोग, तो अभी लास्ट जो स्टार्ट करके देख रहे हैं अभी हम लोग, तो इसको हम लोग कल सुबह यहाँ से भेजेगा, और इसके बाद डायरेक्ट हम आप लोग को पेंटिंग का वीडियो ही दिखाएगा। तो ये वीडियो लोग को हम अभी डेंटिंग और ये मैकेनिकल काम को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी को, स्टार्ट करने शुरू कर रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं राइट। तो गाइस लास्ट जो ओवरव्यू है जिप्सी का वो हम आप लोग को दिखा देंगे, तो जिप्सी यहाँ से कम्प्लीट पूरा काम हो गया जिप्सी का, तो अभी जिप्सी कल जाने वाला है, तो उसके लिए हम लास्ट आप लोगों को दिखा देगा कि कंडीशन अभी कैसा है, तो बाद में हम लोगों का जिप्सी फिर पेंट होकर जब आएगा कैसा हो जाएगा। यह का बम्पर वम्पर सब लग गया, साइड का भी पूरा काम खत्म हो गया और आगे का भी, तो अभी बस इस गाड़ी स्टार्ट करना है हम लोगों को, उसके बाद हम लोग कल सुबह लेके जाएगा। और आगे के जो डैशबोर्ड है वो सब को हम लोग फिटिंग नहीं किया, क्योंकि वो बाद में फिर खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग फिटिंग नहीं किया, तो अभी सिर्फ सीट लगाएगा उसके बाद लेके जाएगा। तो गाइस अभी गाड़ी तो स्टार्ट हो गया, लेकिन साइलेंसर नहीं लगाया अभी हम लोग, तो उसके लिए साउंड जो खराब दे रहे हैं, साइलेंसर का भी काम थोड़ा बाकी है, तो उसको होने के बाद ही हम लोग ये साउंड भी ठीक हो जाएगा। तो सुगर भाई अभी लास्ट जो काम है उसको कर रहे हैं, साइलेंसर को फिटिंग करेगा। तो सुगर भाई बोलो कल सुबह कितने बजे जाएगा? साढ़े दस। तो अभी एक बार बता दो हम लोग कितना दिन और लग जाएगा हम लोग पेंटिंग ये सब करने में? एक महीना। अभी बारिश का सीजन है ना, हाँ तो बारिश नहीं होने से तो थोड़ा जल्दी हो सकता है ना। तो अभी आप लोग देख सकते हैं गाइस कि बारिश का सीज़न होने का कारण हम लोग भी पेंटिंग को इतना जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि पेंट तो हम लोग धूप में करने से ज़्यादा अच्छा होता है, तो अभी थोड़ा बहुत सा जो यहाँ का पुटिंग का काम है उसको शुरू कर लेगा, और बाद बाकी जो लाइनिंग वाइनिंग है सब गाड़ी का कंप्लीट हो गया, तो अभी आप लोग देखा था स्टार्ट भी हो गया गाड़ी, तो बस अभी लेके जाना है और पेंटिंग करना है। तो इंजन का पूरा व्यू ऐसा है, तो अभी ये वायरिंग भी हम लोग पूरा कंप्लीट नया से बनाएगा, तो वायरिंग को भी हम लोग चेंज करेंगे, अभी फिलहाल के लिए जस्ट ऐसे लगा के रखा है, और बैटरी को भी ऐसे रखा है।
और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है उसमें हम लोग देख सकते हैं, उसमें भी लाइट जल रहा है अभी फिलहाल। सब स्टेयरिंग हो गया कंप्लीट काम, अभी सिर्फ पेंडिंग बाकी है। पेंडिंग करने के बाद ही हम लोग गाड़ी को फिर रोड में लेके आएगा। तो आप लोग को याद होगा गाइस कि ये गाड़ी जब हम लोग फर्स्ट लेके आया था वहाँ से लेके अभी तक का जो वीडियो था 3 महीने ज़्यादा हो गया, तो वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो रहा था, उसके लिए हम बीच में वीडियो को रोक दिया था कि हम जब फाइनल जब लुक्स होगा तभी हम आप लोगों को वीडियो दिखाएगा, ये सोच के ही हम वीडियो नहीं लेके आए। तो बहुत लोग पूछ रहा था मेरे फ्रेंड लोग भी कि वीडियो क्या हो गया। तो गाड़ी अभी आप लोगों के सामने है, कम्प्लीट है पूरा, तो अभी सिर्फ हम लोग पेंटिंग का काम मेरा की रह गया, साइलेंसर का काम भी हो रहा है। तो साइलेंसर जैसे लगाएगा उसके बाद हम लोग एक बार साउंड देखेगा। चलो तो गाइस अभी हम लोग का साइलेंसर लग गया है गाड़ी में, तो अभी साउंड आप लोग सुन सकते हैं, बहुत स्मूथ साउंड कर रहा है। सुकू भाई एक बार फिर बता दो गाड़ी के इंजन कैसा है हम लोग का? इंजन ऑन है, पूरा A1 है ना, तो डिब्रूगढ़ तक जाने में प्रॉब्लम नहीं होगा? आराम से ना, लद्दाख जाएगा बोला, लद्दाख जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अभी भाई बोल रहे अभी कि इंजन पूरा ओके है, तो पहले भी हम ये बात बोला था, तो ये गाड़ी अभी हम लोग आराम से कहीं भी जा सकते हैं, लद्दाख तक भी हम लोग लेके जा सकते हैं। साउंड सुन सकते हैं आप लोग, आप लोग बोनेट भी देख सकते हैं, बोनेट का काम भी हमें हुआ है, बोनेट भी पूरा घुस चुका था। भाई बोलो कैसा लग रहा है अभी गाड़ी? अच्छा लग रहा है। तो भाई लोग फर्स्ट से काम किए लास्ट तक, तो भाई एक बार नाम बता दो। शाहजमाल अली। हाँ आज मालूम है, 3 महीने के बाद आज मालूम है नाम भाई का। तो ये भाई लोग का भी बहुत हाथ है मेरा गाड़ी बनने में, क्योंकि ये लोग फर्स्ट से काम कर रहा था, ये और वो भाई, क्या छोटा भाई एक तो वो, उसको आप लोग वीडियो में देखा होगा पहले वीडियो में भी, तो ये भाई दोनों बहुत मेहनत किया है मेरा गाड़ी बनाने में, और सुगुर भाई के साथ। अभी थोड़ा गाड़ी को पीछे ठेलेगा सुमो को, उसके बाद हम लोग गाड़ी को निकालेगा। तो पूरा देख रहा होगा, मॉन्स्टर ट्रक लग रहा है। कौन सा बोलेरो? ओ इसके बाद भाई बोल रहे अभी और एक बोलेरो को वो मॉडिफाई करेगा ना, तो कौन सा मॉडल होगा? पुराना वाला मॉडल, मॉडल कम से कम बहुत साल हो गए। हाँ उसको न्यू मॉडल बनाएगा, न्यू मॉडल बनाएगा। ओ देखो भाई का काम कितना इम्प्रूव हो रहा है अभी, तो बस अभी बारिश सीजन के वजह से हम लोग का काम में लेट हो गया, तो अभी भाई बोल रहे जैसे कि जिप्सी के बाद अभी नेक्स्ट उसका प्रोजेक्ट जो होने वाला है वो बोलेरो रहेगा, तो बोलेरो का पुराना जो ओल्ड मॉडल है उसको शायद वो न्यू मॉडल में कन्वर्ट करेगा बोल रहा है, तो देखते हैं हम भी ट्राई करेगा। अगर आप लोगों का कमेंट ज़्यादा आएगा ये सब वीडियो में, मेरा जिप्सी का वीडियो में लाइक ज़्यादा आएगा, तो हम ज़रूर बोलेरो का नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसको भी हम आप लोगों के सामने लेके आएगा। तो चलिए गाइस आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट अभी रनिंग होने वाला है, फर्स्ट टाइम अभी सब लोग उठ गया, देखो भाई लोग पूरा फुर्ती में है भाई लोग। तो मेरा जो खुशी है मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, हम सोच रहा था दिखाएगा, काफ़ी अंधेरा है रात, इसके लिए फ्रंट कैमरा का काम नहीं कर रहा है। तो गाड़ी देखिए पूरा रेडी हो गया अभी, और मॉन्स्टर ट्रक लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड हम। तो 3 महीने के बाद आप लोग देख सकते हैं गाड़ी पूरा रेडी हो गया, अब इससे आप लोगों को ख़राब दिख रहा होगा लाल लाल, लेकिन कुछ नहीं है वो बारिश का वजह से ऐसा हो गया, लेकिन काम पूरा वॉक्स पूरा ख़त्म हो गया, अभी जस्ट हम लोग को पेंट करना ही है। आओ आओ देखिए अभी रोड में चलने रेडी हो गया भाई ना, अंधेरा में ऐसे दौड़ रहे, तो चला गया देख सकते भाई का नाम क्या बोला था? बुल्टू परिदुल। क्या परिदुल? ओ परिदुल भाई, देखो 3 महीने के बाद आज दोनों का मालूम नाम मालूम चला है, तो भाई दोनों बहुत मदद किए गाड़ी बनाने में,
और एक तो भाई है वो हम लोग का, यही क्या भाई है, भाई नाम क्या तेरा? मेरा खमियांग। तो भाई यही क्या कौन सा का है ना, तो भाई नया ज्वाइन किया है हमें स्टाफ। तो आप लोग देख सकते हैं अभी 3 महीना का बाद हम लोग गाड़ी रेडी हो गया, तो अभी कल निकल रहे हैं यहाँ से डिब्रूगढ़ के लिए। तो वहाँ जाके पेंट होके जब जो लुक्स बन के आएगा उसका आप लोग को फिर हम वीडियो दिखाएगा। देखिए आप लोग सामने से गाड़ी आ रहे हम लोग का जिप्सी, जिप्सी किंग। देखिए आप लोग देखिए, टेस्ट ड्राइव पूरा यहाँ से आ गया। तो अभी टेस्ट ड्राइव पूरा हो गया ना शुक्र, पूरा ओके है ना, तो कल आराम से जा सकते हैं ना। तो आप लोग देख सकते हैं अभी गाड़ी भाई चला के आया है, तो गाड़ी पूरा ओके है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, बस अभी सिर्फ पेंटिंग का इंतज़ार है।